जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलाते जी। स्टाफ मेरे साथ खड़ा है, ये कह रहे थे जी आज शेफ साहब हमें अपने हाथों से कोई चीज़ बना के खिलाएं। इनका मूड था कि जो आलू अड्डा इनको खिलाया जाए और वो भी देसी घी में खिलाया जाए, तो मैंने कहा चले आलू अड्डे की रेसिपी भी आपको सिखाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ाएँगे। स्टूडेंट्स जो लाहौर में रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, वो भी ये रेसिपी देखेंगे, वो खुद से ये चीज़ें जो है ना फिर बना सकेंगे। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक पाव देसी घी डाल लिया है और तकरीबन ये 3 पाव तकरीबन ये प्याज है, इसको हम इसमें ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके फिर इसमें हम लोग टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। उसके बाद आलू डाल के दम लगा के इसको फाइनल करेंगे। साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। ये देखें सारे लड़के मेरे पास खड़े हैं क्योंकि इनको भूख लगी हुई है, तो ये साथ इनको मैंने कहा आप मेरे पास खड़े हो जो है इसके जो है ना ले, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसको कम्प्लीट करूँ। अच्छा जी, प्याज हल्का सा आपने लाइट सा ब्राउन करना है ताकि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा है। ये अब हमारा हल्का सा इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने की इसमें जब आपको स्मेल आना शुरू हो जाए, देन आपने क्या करना है, आपने टमाटर और अदरक लहसुन डाल के ये ग्राइंड कर लेने हैं। ये आधा किलो टमाटर है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम आपने लहसुन डालना है। उसके बाद साथ ही आपने इसमें मसाले डाल देने हैं। ये तकरीबन आलू कितने थे जी, दो किलो आलू थे। जितने आलू होंगे उतनी मिर्च डालेगी, दो चम्मच हमारी इसमें आगे जनाब मिर्च, और दो चम्मच इसमें हमारे डलेंगे नमक, उसके बाद दो चमचे हमारे डलेंगे हल्दी। इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है ना मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉरी अगर आपने अपने लिए इसको आपने खुद से इसको खाना है तो इसमें कोई इतने लंबे छोटे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, ताकि आपको प्यास ना लगे, आपके स्टमक में प्रॉब्लम ना हो। जितना ये सिंपल होगा उतना ये टेस्टी डिलीशियस भी होगा। मैं जी आलू लाए। अच्छा ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, टमाटर और अदरक लहसुन मैंने डाल दिए। आलू डाल के हल्का सा पानी लगा के हम इसको दम लगा लेंगे। आलूओं की बनाई नहीं करनी क्योंकि जब आप आलूओं की बनाई करते हैं तो आलू आपके काले हो जाते हैं। हाँ जी हो गया आलू लाए। तो तकरीबन आपने ये सारी चीज़ें डाल के एक मिनट आपने भून लेना है। साथ ही आपने ये आलू ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। पानी भी दे दीजिए। कुछ लोग आलू डालते साथ ही उसको भूनना शुरू कर देते हैं, भूनने से आलू काले हो जाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने आलूओं को भूनना नहीं है। जैसे ही आप आलू डाल लें ठीक उस तकरीबन 30-35 सेकेंड तक आप पानी भी डाल लें। चले बस काफी है। इधर इसको दम लगाने का मकसद ये है, तकरीबन ये 5-7 मिनट का दम लगेगा। प्याज भी इसका जो है ना वो बिल्कुल समझ लें कि मैश हो जाएगा और इसके साथ बुनाई भी हो जाएगी। और इसको अब हम लगाते हैं दम। दम लगाने के लिए इसका दीजिएगा जी, ढक्कन दीजिएगा। नहीं नहीं ये वाला नहीं, दूसरा। ये जी लगा दिया हमने इसको दम। ढक्कन थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, आलू नीचे इसके कवर होने चाहिए। अब 5 मिनट बाद इसका दम खोलेंगे, फिर इसकी बुनाई कर देंगे, साथ ही पानी डाल के इसका शोरबा बना देंगे। अच्छा जी, अंडे हमने उबालना शुरू कर दिए हैं। अंडे तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें डाला है और तकरीबन कितने हैं जी अंडे, एक दर्जन है जी? एक दर्जन, एक दर्जन इसमें अंडे हैं। और इसमें आपने ना ये वाला 1 चम्मच आपने नमक का डालना है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके छिलके उतारने में आपको आसानी होगी। अंडे तकरीबन 5 मिनट लेते हैं बॉयल होने में, और 5 मिनट बाद ये बॉयल हो जाते हैं। जैसे इसको बबलिंग आना स्टार्ट हो उसके पूरे 5 मिनट बाद आपके अंडे रेडी होंगे, उसको छील के आप फिर आलू अंडे में डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसको दम लगाया है तकरीबन हमने 10 मिनट, उसके बाद इसकी हल्की सी बिल्कुल आपने बल्कि इसकी आलूओं की बुनाई ना ही करें, मैं तो कहता हूँ बेहतर है, क्योंकि आलू की आप बुनाई करेंगे ना तो ये काले हो जाएंगे। इस पोजिशन में आके हमने इसमें डाल देना है पानी। ये तकरीबन आप जितना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी डाल सकते हैं। लंबे शोरबे वाले खाना चाहते हैं उसके साथ चावलों के साथ वो खा सकते हैं,
हमने ज़रा रोटी के साथ खाने का प्लान किया हुआ है। तो ये जनाब आ गए, इसके बाद हम डालेंगे जी सबज मिर्च, उसके बाद ये अंडे छील के ये भी डाल देंगे और इसको हम लगा देंगे दम तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट बाद इंशाल्लाह ये हमारा रेडी होगा, फिर हम मज़े से खाएंगे और आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब आपको खाते हुए की भी दिखाएंगे। अच्छा जी, इसका हमने दम खोल दिया है और इसका थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेंगे। शोरबा हमने थोड़ा सा इसका बना लिया है क्योंकि माशाल्लाह 20 हमारे बच्चे हैं और एक एक बच्चे ने 5 रोटियां खानी होती हैं, तो लिहाजा जो है ना ये देखें जनाब, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये थिक ग्रेवी है। अगर आपने ये बनानी है ना इसके लिए रोटी के साथ, तो ये थिक ग्रेवी आप बनाएंगे। अगर चावलों के लिए बनानी है तो जो एंड में मैंने पानी डाला था उसकी क्वांटिटी डबल कर। ठीक है, अब ये हमारा रेडी है, अब हम इसको खाएंगे मज़े से। आए आपको खाते हुए लड़कों को दिखाते हैं कि किस तरह मज़े से खाते हैं। अच्छा जी, देसी घी में बना हुआ बेहतरीन आलू अड्डा शोरबे वाला रेडी है। स्टाफ आप दिखाएं जी जरा स्टाफ को, स्टाफ की भूख इस टाइम पूरे अरूज पे है। इन्होंने कहा था जी हमें, हम लोग गोश्त वगैरह या पायशे खा के हम लोग बिल्कुल जो है ना वो इस टाइम थक गए हुए हैं, तो हमें कुछ सब्जी दाल या इस तरह कुछ चीज़ खिलाएं। तो इन्होंने खुद चूज़ किया कि आप हमें आलू अड्डा शोरबे वाला खिलाएं, लेकिन खिलाएं देसी घी में। अच्छा, आपने दुबई में देखा होगा जो साल्ट एंड बी जो ऐसे 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 नमक डालता है, हमारे पास साल्ट एंड बी तो नहीं लेकिन साल्ट एंड पी ज़रूर है। तो हमारे उस्मान साहब इसका इफ्तिताह करेंगे जी अपने महसूस प्यारे अंदाज में। जी जरा उस्मान साहब जी प्लीज़, और जितने प्यार से बना हुआ है उतनी प्यार से मिर्ची।